अभी रास्ते में एक बड़ा हर्डल बने हो सकते हैं शंकर लालवानी के लिए। आप इस वक्त किस बूथ पर मौजूद हैं और क्या वीआईपी मूवमेंट होने वाला, क्या है डिटेल्स? देखिए बिल्कुल, मैं अग्रवाल नगर जो बूथ है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ ही देर बाद अभी कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट वोट डालने के लिए आएंगे और आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर अभी से ही सुबह से ही काफ़ी संख्या में लोग हैं, कतार भी नज़र आ रही होगी आपको, तो उत्साह है लोगों में। इंदौर की अगर बात करें तो यहाँ एक यह बात चली थी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच तगड़ा मुकाबला होता है, लेकिन नोटा की वजह से देखिए आपको वोट डाल दिया आपने जी, डाल दिया। क्या सोचकर वोट दिया आपने? अपने देश की, अपने समाज की, सबकी उन्नति के लिए। और सबसे पहले कहा जाता है कि बाद में जलपान पहले मतदान, तो आपने सबसे पहले फर्स्ट मतदान बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना जल ना पानी ना कुछ भी नहीं दिया, सबसे पहले लेके आए। और वोटर्स के लिए भी क्या मैसेज देंगे वोट डालने के लिए? सब जल्दी से जल्दी आए, सब अपने मत का इस्तेमाल करें, सब अच्छे से अच्छे। यहाँ पे इंदौर में एक ये स्थिति बनी है कि यहाँ नोटा को लेकर भी प्रचार हो रहा है वो कि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं, तो ऐसा कुछ आप लोग? नहीं, हम तो कुछ भी नहीं सोचते इस बारे में। तो देखिए और भी यहाँ पर वोटर्स हैं और आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर वोट डालते हुए यहाँ पर, और आपको नजर आ रहा होगा काफी कतार भी है यहाँ पर और काफी बुजुर्ग भी यहाँ पर पहुंचे। हम कोशिश करेंगे आपको कुछ बुजुर्ग वोटर्स भी हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे, काफी उम्र दराज है लेकिन वोट डालने के लिए आए हैं आप। सबसे पहले वोट डालने आए हैं जी हाँ, मंदिर छोड़ के भी आए, मंदिर जाना है, इसके बाद मंदिर पूजा पाठ, बाद में पहले मतदान। देखिए पहले जलपान फिर मतदान की जो ये चर्चित लाइन है मिथिलेश, ये जो लाइन को भी आगे पार करते हुए ललित एक और लाइन खींच दी है हमारे जो मतदाता हैं उन्होंने कि पहले मतदान उसके बाद पूजा पाठ जलपान जो भी काम है आप उसके बाद करेंगे, तो मतदान से बड़ा इस वक्त आज पूजा कोई नहीं है। विश्वदेव शर्मा नीमत से हमारे सहयोगी जुड़ गए, विश्वदेव क्या है डिटेल्स, किस बूथ पर हैं आप इस वक्त? जी मैं नीमच के 43 क्रमांक बूथ पर हूँ जो एक पिंक बूथ है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि महिलाओं के द्वारा ये पूरा बूथ संचालित है और यहाँ कतार लगना शुरू हो चुकी है और महिलाएं और पुरुष सब आने लग गए हैं और इस केंद्र पर 3 बूथ एक साथ लगे हुए हैं नीमच के। जी कुछ तस्वीरें अगर आप हमें दिखा पाए, क्या वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, मतदाता आने लगे हैं, वोट डालने लगा है क्या? जी मतदाता और मैं सहयोगी को बताऊंगा कि बुजुर्ग भी आ रहे हैं, एक बार उनकी तरफ। बिल्कुल ये बात तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं पिंक बूथ की जो व्यवस्था है ताकि सहजता से आप अपना वोट कास्ट कर सकें, महिलाएं युवतियां सहजता से अपना वोट कास्ट कर सकें। वासु भी हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार ये नीमच की तस्वीरें पहले देख लीजिए किस तरह से मतदान करने के लिए मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और बुजुर्ग ये मतदाता है। हालांकि इनके लिए व्यवस्था की गई लेकिन चूंकि जाने ही कितने ही सालों से ये इस तरह से मतदान केंद्र पर पहुँचते हैं, वोट कास्ट करते हैं और अभी भी उसी परंपरा को ये निभा रहे हैं। जिस जवान पीढ़ी को हमें एसी कमरे से निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है उनको ये तस्वीरें देखकर सीख नसीहत सबक ये लेना चाहिए कि बतौर मतदाता कितना जागरूक होना जरूरी है। वोट कास्ट करने के लिए बुजुर्ग महिला पहुंची हुई है नीमच से, ये तस्वीरें बेहतरीन तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, प्रेरित करने वाली तस्वीरें। जी ललित, हर बड़े घटना के पीछे एक छोटा सा कारण होता है, बहुत छोटे छोटे हल्के कदमों के साथ बुजुर्ग मतदाता छड़ी के माध्यम से, ये वो ताकत है, ये वो शक्ति है जो बड़े बड़े ऊर्जावान और जो युवा हमारे वोटर्स हैं उन्हें प्रेरणा देगी। और हमारे जो सहयोगी विश्वदेव शर्मा हैं